ओके आई हैव वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी वन हाउ वी आर गोइंग टू किल नल भाई मारना भी छोड़ो वो कॉस्मिक बीइंग है बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता आ रहा है तो उसे हराएंगे भी कैसे वो भी स्पेसिफिकली सोनी स्पाइडमैन यूनिवर्स के बंदिशों के अंदर अपने एसएसयू में सोनी के पास सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रिलेटेड कैरेक्टर्स ही है जो वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जिसमें से अगर हम इस आर्टिकल की माने तो सोनी के पास अराउंड रफली 900 प्लस कैरेक्टर्स हैं जहां पे द लास्ट डांस मूवी में विनम के इंट्रोडक्शन के बाद इनके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि भाई टोबी एंड एडू का स्पाइडमैन टॉम हॉलैंड का स्पाइडमैन तो भाई रेयरली चांस है कि वो आएगा पर जिनके पास इंटेंशनली भाई आने के हिंट्स हैं वो आते हैं मॉर्बी Yes.

के दौरान ही नल को भाई अपने रूलिंग ग्राउंड में दिखा दिया है उसके वर्ड के अंदर कॉमिक वाला पूरे और गॉड मोड में अभी ही एग्जिस्ट करता है जहां पे अपना सबसे बेस्ट बैट आता है अपना सबसे ब्रह्मास्त्र बड़ा वाला नल को हराने के लिए वो है दी पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड या ये सुनने में काफी चीज़ी लगता है पर हर बार ऐसा सुपर हीरो मूवीज में हमेशा से होता आ रहा है ये अपना गॉड ऑफ सिम्बा वेनम का ही मेन विलन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको भाई वेनम ही हरा सकता है क्योंकि भाई वेनम हराते हुए आया भी है पर वो अकेले नहीं कर सकता और जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स

पर जिस तरीके से उन्हें दिखाया गया है और जैसी मूवी थी और एक्टर का भी अनसीरियसनेस अपने कैरेक्टर और क्राफ्ट को लेकर कसम से आपका पूरा दिल तोड़ देता है इंटरव्यू से देखा ही होगा आपने डकोटा जॉनसन की सीरियस ही नहीं है कोई जिसपे से अब अगर हम अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते तो भाई वेनम को सोलो विलन मोड में और एंटी हीरो मोड में भाई अपनी ट्राइजेक्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पे वेनम का सिम्बाउड का हाई माइंड से कनेक्टेड रहना और बाकी क्लिनतार का अपने डिक्टेटर को लेकर नफरत एक रेबेलियन वेनम आर्मी को जन्म दे सकता है जो सिर्फ वेनम के ही अराउंड

हाइव माइंड वाला कनेक्शन का भली कहानी वो आगे दिखा दे पर रेबेलियन का एक्ट सेंस भी अच्छा बनाता है लेकिन बाकी कैरेक्टर्स एड जरूर होंगे जो कि कई लोगों को पसंद नहीं भी आए लेकिन फिर भी अगर ये हाइव माइंड वाली मेंटल लड़ाई होती है तो वो काफी अमेजिंग होगा क्योंकि भाई हमने स्पाइडरमैन टू गेम में ही देखा हुआ था कि भाई जब मेंटल लड़ाई शुरू होती है अपने स्पाइडरमैन की तो कितना ट्रिपी हो जाता है कितना लार्जर द लाइफ फैसिनेटिंग हमें देखने को मिलता है कि आप उसमें खो भी सकते हो एंड भाई अपने एडी ब्रॉक के लिए भी वही एक मोमेंट हो सकता है कि वो वेनम के साथ अपना एक ग्रेट सेक्रीफाइस कर दे जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर को एक कमाल का कंक्लूजन देने में भी बहुत अच्छी हेल्प करेगा जिसमें से फाइनली अपना लास्ट बट नॉट द ली सबसे सेफ बेट आता है मल्टीवर्स एंड्रू गाफिल्ड को भाई हम इलियन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं अपने स्पाइडर वर्स को भी किया जा सकता है कि भाई अपनी मीन भी नहीं पड़ेगी नल को हराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती मगर यहाँ पे एक अच्छा सेंस का दरवाजा खुल जाएगा कि हाँ भाई मल्टीवर्स आ गया है तो एक्सेप्ट कर लेंगे चलो अब खोल ही दिया है नेक्स्ट रियलिटी कर ही लेंगे और यह बात दिखानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमने स्पाइडरमैन नो वे

क्यों किया आपने क्यों ऐसा खेला आपने हमारे दिल के साथ जब आने का मन ही नहीं था तो भाई क्यों हाई लिखा खैर अब नल आया है तो भाई अपने मल्टीवर्स के एंगल को भी ये एक्सप्लेन कर दें मैडम वेब के मल्टीवर्स की अल्टरनेट रियलिटी वाले डिपार्टमेंट को उन्होंने मैडम वेब मूवी में खोला ही हुआ था तो इस बार अच्छे से गलतियों को सुधारते हुए मल्टीवर्स के दरवाजे खोल सकते हैं अगर वो करना चाहें तो क्योंकि भाई एक बार अगर वो दरवाजा खुल गया तो नल को हराने के 50 तरीके हमें मिल जाएंगे बाकी तुम बताओ तुम्हें इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा बेट लगता है कि नल को हराने के लिए ये आइडिया अच्छा काम आएगा या फिर भाई तुम्हारे पास भी अपनी कोई थ्योरीज है जहां पे यह बात ध्यान देना कि सोनी के पास एक लिमिटेड ही दायरा है कि भाई वो नल को लेकर बहुत ही फैल नहीं सकते तो भाई उस दायरे में रहते हुए एस में स्ट्रिक्टली एस में नल को कैसे हराएंगे अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना वाइल्ड जाओगे चलेगा कोई टेंशन नहीं है वैसे भी ये सोनी है तुम अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन